रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। तो सुना आपने, चुनाव जीतने के अगले ही दिन भगवाधारी विधायक साहब ने हुक्म दे दिया कि जयपुर में रोड के किनारे अब मीट मच्छी चिकन यानी किसी नॉनवेज का ठेला नहीं लगेगा। है कौन ये? ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना गवर्नर हैं, ना कोई दूसरी अथॉरिटी। यहां तक कि इन्होंने अभी तक विधायकी की शपथ भी नहीं ली है, लेकिन चुनाव जीतने की खुमारी ऐसी छाई है कि अपने सपोर्टर्स के साथ मीट मच्छी चिकन के ठेलों पर धावा देने के लिए पहुंच गए। आपने गेला समझ लिया मुझे? नहीं, गेला क्या समझ? आप ऊपर के उस फेवर में हो ना कि आपका मित्र काम दे रहा है? मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं कभी किसी के फेवर में राय नहीं। मुझे सुनो, ये आपके कहने के बाद बता दो, मुझे एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, आप पूछ लेंगे। दुकान बंद हो चुकी है वाली, बिल्कुल क्लियर, हमारे को देखती दुकानें बंद। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी? अब जरा इनका परिचय जान लीजिए। नाम है बाल मुकुंदाचार्य, जो कि जयपुर की हवा महल सीट से विधायक चुने गए हैं। जयपुर के कालावाड़ रोड पर स्थित हाथोज धाम के महंत हैं। वैसे हल्ला मचा तो माफी भी आई, लेकिन किंतु परंतु के साथ। आम नागरिक होने के नाते आपके आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हुआ आप, इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। बाल मुकुंदाचार्य पहली बार चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1000 से भी कम वोटों से हराकर चुनाव जीते। इससे उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने इलाके में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर बात करने की बजाय उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ रेहड़ी ठेले वालों बल्कि ऐसे होटल वालों को भी धमका कर आ गए जिनके नाम मुस्लिम हैं, जैसे जयपुर का एमएम खान होटल। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है, कराची बनाना चाहते हो? ये अपना काशी है। भगवाधारी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जयपुर के दरबार होटल के बाहर भी अपने समर्थकों की भीड़ के साथ पहुंचे। रोज शाम को देखता हूं मैं, यहां सजाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, यहां सजाता है, यहां धुएं करता है, ये देखो आप। चुनाव जीतते ही रेहड़ी ठेले वालों पर धावा बोलने वाले विधायक बाल मुकुंदाचार्य अचानक सोशल मीडिया की सुर्खी बन गए। इससे एक अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर्स ने गहलोत की सरकार को पलटने के लिए चुनाव में क्या क्या औजार इस्तेमाल किए। ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा हथियार वही था जो कि बीजेपी का आजमाया हुआ था। हथियार कहा जाता है जिसका नाम है ध्रुवीकरण। आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। रेहड़ी वालों ठेले वालों पर धौस जमाकर विधायक बाल मुकुंदाचार्य खुद को बाबा बवाल बता रहे हैं, लेकिन प्रचार तो ये किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी बवाल थी। खुद बीजेपी तो राजस्थान समेत 3 राज्यों की चुनावी जीत को मोदी की गारंटी की जीत कहकर प्रचारित कर रही थी। चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी का ये पोस्टर तो आपने देखा ही होगा, जिसमें लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट किए। अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो शायद करेक्ट कीजिएगा, शायद राजस्थान के चुनाव के लिए पीएम मोदी की गारंटी में यह बिल्कुल शामिल नहीं था कि चुनाव जीतते ही रेहड़ी और ठेले वालों को उजाड़ दिया जाएगा, उनका धंधा बर्बाद कर देंगे, उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लाइसेंस गया हुआ है सर। ला लाइसेंस लेके आओ, चलो बंद होएंगे। लाइसेंस लेके आओ। नहीं, गया हुआ है। लाइसेंस बनवाने गया है? आप सुनो, लाइसेंस बनवाने गया है, दुकान चल रही है 5 साल से। नहीं नहीं सर, 5 साल से नहीं, कब से चल रही है भाई? अमेर जाते हैं, बोल रहे हैं महीना हुआ है भाई साहब, 5 साल से अभी दुकान चल रही है, रोड पे बना रहे हो आप सर? किससे लाइसेंस लिया आपने? किसी से भी। ठेले वालों से नॉनवेज बेचने का लाइसेंस मांगते फिर रहे बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य को शायद अच्छी तरह से पता है कि वो वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वोट पड़े हैं, यानी हिंदू मुसलमान। लेकिन अब संविधान की शपथ लेने जा रहे नव निर्वाचित विधायक महोदय को गुजरात हाईकोर्ट की एक टिप्पणी याद दिलाना जरूरी है। 2 साल पहले जब अहमदाबाद नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों को हटाना शुरू किया था तो गुजरात हाईकोर्ट से उनको तगड़ी डांट पड़ी थी। कोर्ट ने कहा था, आप नॉनवेज नहीं खाते, ये आपकी चॉइस है,
आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मैं क्या खाऊंगा? कल को आप कह दीजिए कि सड़क पर गन्ने का जूस नहीं बिकेगा क्योंकि इससे डायबिटीज हो सकता है, ये क्या बात हुई? ये जज ने कहा है। खुद को मिले जनादेश से हवा में उड़ रहे बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को शायद इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी पार्टी को तो होना चाहिए क्योंकि उसने राजस्थान की जीत का पूरा क्रेडिट मोदी को दिया है, मोदी की गारंटी को दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य जयपुर में जो कर रहे हैं उस पर पार्टी भी की भी मौन सहमति है। ध्रुवीकरण वैसे भी बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अपनी सरकार जाने के बाद खुद अशोक गहलोत ने भी माना कि बीजेपी का ध्रुवीकरण चुनाव में काम कर गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैया लाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती, होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ही लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो क्या इसीलिए बीजेपी बाल मुकुंदाचार्य पर चुप है कि उसे 6 महीने बाद एक बड़े चुनाव में उतरना है? तो क्या 2024 के चुनाव तक राजस्थान में ध्रुवीकरण की ये अंगूठी सुलगाई जाती रहेगी? और ये मात्र एक उदाहरण था उसका, सोचेगा जरूर।